कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, KLC में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, साथ ही साथ आपको खाद तेल बाजारों में के साथ साथ आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से गेहूं के बाजारों में कामकाज हो रहा है, शुगर बाजार की क्या स्थिति है, किस तरीके से आप दालों में कामकाज करके चल सकते हैं, ये भी जानकारी आपको देंगे। तो खबर में आप लोग अंत तक बने रहिए। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजारों से, चर्चा करते हैं विदेशी बाजारों में किस तरीके से कामकाज रहा। तो KLC सीबॉट पे अगर चर्चा करेंगे तो KLC का बाजार कल बढ़त के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। KLC का बाजार कल 37 रिंगिट की बढ़त देखी गई। सीबॉट का बाजार भी 15 सेंट की बढ़त के साथ कामकाज रहा। KLC सुबह प्लस 12 रिंगिट खुली, फिलहाल के लिए -29 रिंगिट गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बड़ी खबर निकल के आई, जैसे कि आपको मालूम है, हमेशा आप लोगों को मालूम है 15-15 दिन में टैरिफ रिवाइज होती है, 15-15 दिन में टैरिफ रिवाइज होती है, किस हिसाब से टैरिफ रिवाइज हुई है, टैरिफ का क्या इफेक्ट बाजारों में पड़ेगा, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अपडेट आपको क्रूड पाम ऑयल में अगर देखा जाए तो 892 कर दी, जो पहले 944 थी, RBD में 972 थी, उसके हिसाब में 922 कर दिया, सोयाडिगम 959 था, इसमें 935 रुपये। अगर इस ड्यूटी का अगर रुपए के हिसाब से अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो लगभग 241 रुपये माइनस CPO में इसका गिरावट का आपको देखने के लिए मिलेगी। RBD में 580 रुपये का डिफरेंस बाजारों में देखा जाएगा। पर टन के हिसाब से सोयाडिगम का बाजार 112 रुपये, तो लगभग आप देखेंगे, लगभग इसमें देख के चल सकते हैं कि 24 पैसे, 58 पैसे और 11 पैसे का आपको असर बाजारों में देखने के लिए बाजारों में मिल सकता है। उसी के तहत आप देख रहे हैं कि KLC के बाजारों में जो दबाव देखा जा रहा है, तो KLC में भी अगर 40 रिंगिट माइनस KLC है तो लगभग 30 पैसे के KLC के हिसाब से 30 पैसे आप बाजारों में गिरावट आपको बाजारों में देखने के लिए पर KG के हिसाब से, जो लोग बल्क में काम करते हैं उनको मालूम होगा, उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करता हुआ दिखाई देके चल सकता है आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सीबॉट पे अगर बात करेंगे, सीबॉट कॉम्प्लेक्स में कल बाजारों में एक अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाजार बंद हुआ तो फ्लैट ही बाजार बंद होता हुआ नजर आया। और आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में किस तरीके से लोकल बाजारों में स्थिति रही। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 95 रुपये पे कामकाज रहा, पामोलिन का बाजार 93 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 86.5 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 109 रुपये रहा, सोयाबीन का बाजार 4725 रुपये। अगर हम देखेंगे कि इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट पर सटीक रणनीति आपको अगर जाननी है, 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट आप वहां पर भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर होके जुड़ के आप ज्वाइन हो सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा वहां पर भी जुड़ सकते हैं। मार्केट पर किस तरीके से रणनीति अपनाई जाती है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज किया जाता है, उसकी जानकारी वहां पर आपको विस्तार से मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम चर्चा करेंगे कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 878 रुपये, फॉरवर्ड में 868 रुपये, पामोलिन का बाजार 890 रुपये, सोया रिफाइन का बाजार 905 रुपये पे कामकाज रहा, सोया डिगम 830 रुपये, फॉरवर्ड में 815 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 920 रुपये पे कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। तो ये आपको जो बाजारों के जो रेट्स हैं वो आपको जानकारी दे दी। अब बाजारों में अगर हम बात करेंगे, अमेरिका में सोया प्लांट में एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल में क्रशिंग जो देखी जा रही है पिछले साल से 15% कम देखी जा रही है। प्लांट में सोया तेल का स्टॉक भी लगभग 5.5% कम है, तो इसका असर आपको ग्लोबल बाजारों में आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी हमने आपको बाजारों में आपको बताई कि किस तरीके से कामकाज हो रहा है। अगर हम काटन की कुछ चर्चा कर लेते हैं तो लोकल डिमांड घटने से काटन की मिल की जीनिंग घटी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में फसल बड़ी होने के असर से वर्ल्ड मार्केट पे, मगर बांग्लादेश वियतनाम में डिमांड की मदद से भारत में जो काटन में देखा जा रहा है, काटन में बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद फिलहाल नहीं देखी जा रही है। ये कपास के बारे में भी हमने आपको इस पर जानकारी आपको ऑलरेडी बता दी है कि कपास के बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई बाजारों में नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ सरसों बाजारों में क्या स्थिति है, सरसों बाजारों में किस तरीके से सरसों के बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सरसों के बाजार की अगर हम बात करेंगे तो आपको सरसों के बाजारों में आप देखेंगे कि पीछे 2-3 दिनों में जबरदस्त तेजी देखी गई। अगर आप
अगर आप देख के चल सकते हैं कि कल आप देखेंगे सलोनी जो सरसों रही 6225 रुपये, इसमें 25 रुपये की बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया। जयपुर सरसों का बाजार भी 5725 रुपये के आसपासी बाजारों में कामकाज हुआ। जयपुर सरसों में बढ़त देखी गई, तो जयपुर सरसों में एक हल्का फुल्का करेक्शन तो बाजारों में बनता हुआ दिखाई दे के चल सकता है, लेकिन आप सोचे बहुत बड़ी गिरावट आए होती हुई दिखाई दे, तो बहुत बड़ी गिरावट के लिए फिलहाल अभी इस पर फिलहाल जगह नहीं देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो अब पहले सरसों में गोयल कोटा की भी बात कर लेते हैं, तो गोयल कोटा सरसों 5650 रुपये रही, कल 50 रुपये की इस पर भी बढ़त देखी गई। मस्टर्ड ऑयल प्लांट वालों ने कल 50-50 रुपये अपने मस्टर्ड सरसों में कई जगह बढ़ते हुए देखे हैं। अब सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे, तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपये। पामोलिन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 86 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 88 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5550 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5800 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये देखा जा रहा है। तो ये स्थिति आपको बाजारों में देखने के लिए आपको बाजारों में मिली कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करते हुए बाजारों में दिखाई दे रहा हो, किसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में आप रणनीति अपना के आप बाजारों में चल सकते हैं। तो बाजारों में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बाजारों में अभी 1 से 2 दिन पहले जो अमेरिका में टैरिफ की जो टैरिफ बढ़ने की जो खबरें आ रही थी, उन्होंने मना कर दिया कि टैरिफ वगैरह वहाँ पर जो ड्यूटी है उस पर टैरिफ नहीं रिवाइज करी जाएगी। उसका असर आपने देखा कि बाजारों में गिरावट देखी गई, लेकिन यहाँ पर कोई खास असर होता हुआ उसका बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से गेहूं बाजार में कामकाज, तो गेहूं बाजार में 2475 रुपये के आसपास ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजारों में लगातार 4 से 5 दिनों से स्टेबिलिटी देखी जा रही है। आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको जाके आप डाउनलोड करिए। और अगर हम बात कर लेते हैं किस तरीके से गेहूं बाजारों के बाद दाल बाजार में क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है, तो दालों में चने अरहर में आप लोगों को बताया ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। चने अरहर में बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं 6650 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मूंग मसूर में भी बाजारों में स्टेबिलिटी के साथ कामकाज दिखाई दे रहा है। उड़द में बाजारों में आपको बाजारों में थोड़ी बहुत तेजी देखने के लिए मिल सकती है। शुगर बाजार की अगर शक्कर की बात करेंगे, तो शक्कर बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, बाजार एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में ऑलरेडी कोटा बढ़ के आया था, उसके बाद बाजारों में हल्का सा एक दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं, इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी अगर रेगुलर आप जानना चाहते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे आपको जानकारी इसी तरीके से रेगुलर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24। नमस्कार।